पे साबित हो रहा है पूरा कैमरा लगाऊंगा। क्या मान जा क्या मान, अब तुझे बाप नजर आ रहा है जब बिल्कुल, तू भी तो मेरे साथ फिजिकल हुआ है, मैं तो बोल दूंगी तेरा बच्चा है और तेरा ही है ये बच्चा। खर्चा नहीं उठ रहा तो आप मम्मी को खुश करते हो ना, मैं आपको खुश करती रहूंगी। बुढ़िया है वो, क्या है मुझे खुश नहीं होना, मुझे दूसरे अरे वो बुढ़िया है, आपको पता है जो मेरे पेट में बच्चा है ना वो मेरे बाप का ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं दीनानाथ सिंह, ये मेरा छोटा भाई प्रकाश, ये भैया का नाम कुणाल है। ये बताएंगे अपने से, ये जो भी बात है ना कुणाल भैया, बताइए आप भैया कौन है, मैं आपको शर्म आ रहा है यार, जो बात हो बताओ यार, टाइम मत खाओ आप, जो भी सच्चाई है ना एक बार बताओ। आपने मेरे को पिछली बार मौका दिया था ना, ए पिछली उछली बार, अभी क्या हुआ वो बताओ, ठीक है ना। ये बता रहा हूँ मैं, अभी जो आप क्यों आए हो हमारे पास, मैं इसलिए आया हूँ, मैं पहले मैं गलत था ठीक है, अब मैं सुधर चुका हूँ। मैं जाता हूँ ड्यूटी ठीक है, घर पे आता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से आता नहीं, बहुत कम आता हूँ मैं, सिर्फ ड्यूटी पे अपना ध्यान लगाता हूँ, काम करता हूँ, घर पे कभी कभार आता हूँ अपनी बीवी के पास। कितना देर का भाई, कितना टाइम की ड्यूटी है आपकी? मेरी 18 घंटे की ड्यूटी है। 18 घंटे की? हाँ, तो वहीं पर 4-5 घंटे मिलते हैं, वो सो जाते हैं मतलब। अच्छा। हाँ, 18 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे का मैं लंच वगैरह, मतलब रोज घर पे भी नहीं आते, नहीं आ सकते। अच्छा। हाँ, इसलिए वहीं सोना पड़ता कंपनी में। बात क्या है ड्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं, जो बात ये जी कि मैं घर आया ठीक है, तो आके देखा मैंने पीछे के रास्ते से आया था, आगे का गेट बंद था, तो मैं कोई बात नहीं पीछे से भी जीना आता, मैंने ऊपर आ गया। मैं तो सिमरन है, वो आपकी जो बेटी है, बेटी है वो, अपना मेरी बीवी को कुछ दवाई मिला के पिला दी थी पानी में, और वो पी के किसे कहते हैं बेहोश ना, ऐसे हो गई, मैं देखता रहा चुप करके, बेहोशी का दवाई। हाँ, उसके बाद वो तैयार व्यार हुई एकदम से, बन ठन के कहीं जाने लगी, उसका पीछा करा जाके ठीक है, वहाँ जाके देखा जी किसी लड़के से मिलती है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं चुप करके वापस आ गया, मैंने सब उसे कुछ नहीं कहा। मैंने घर पे आके देखा कोई रिपोर्ट्स मिली है, पता चला है प्रेग्नेंट भी है। देखो अच्छा, आपकी लड़की प्रेग्नेंट है, अब कहीं मेरे पे इल्ज़ाम ना डाल दे कि तेरा बच्चा है, इसलिए आपको दिखाने आया हूँ। इसमें नाम भी लिखा है लड़के का जिसका ये बच्चा है, और इसका भी नाम लिखा हुआ है, कहीं आप लोग फिर मुझे गलत समझो, फिर आपके पास आए फिर मुझे बोले कि मेरा बाप का बच्चा है या कुछ गलत कर दिया उनने, तो मेरे पर नाम आएगा, मेरी बदनामी। दोस्तों लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा, हम समझा रहे हैं ना, इनकी एक बेटी है जो कि इनकी अपनी बेटी नहीं है, सौतेली है, इनकी एक वाइफ भी है ना। हाँ। तो पैसों की लालच में आके अपने वाइफ से शादी, उनके भी दूसरा शादी है ना। हाँ। पैसों की लालच में शादी किए थे, दूसरा उनका है, दूसरा उनका है, मैंने ये भी शादी किए थे पैसों की लालच में आके, लेकिन इनको इनका निगाह इनके बेटी पे ही था, जो लड़की वो लेके आए थे दूसरे देखा था। हाँ, तो इनको डर है कि ये बच्चा कहीं वो फिर आके समाज के सामने ये ना बोले कि मेरा बच्चा है ना। हाँ। इसलिए आपको पहले मैंने लाके दिखा दिया है, अब मैं शराबत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, घर पे भी बहुत कम टाइम देता हूँ। मुझे पता चला जी वो रोज़ ही जाती है, रोज़ ही किसी से मिलने जाती है, तैयार शहर हो गए, उसका पेट भी फूलने लगा, ऊपर से मैंने रिपोर्ट देखी उसके कमरे में, तो मैंने 2-3 महीने का बच्चा होगा, कम से कम 2-3 महीने का होगा, बाकी इस रिपोर्ट भी लिखा हुआ पढ़ लो, नाम भी लिखा हुआ। सुनिए ना, उसको आप बुलाइए एक बार, उससे बात कीजिए आप ठीक, बाकी उसके मुँह से हम जानेंगे इसका सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट का सच्चाई क्या है ठीक, ये बच्चा किसका है, आपका है कि उसका, वो बताएगी ना जी, जो भी सच्चाई होगा, बाकी तुम डीएनए टेस्ट करा लेंगे, पता लग ही जाएगा झूठ का झूठ। एक्स्ट्रा में तो पता चल ही रहा है, डीएनए टेस्ट कैसे करा, तो इसमें पता लग रहा है कि इनका बच्चा है ना, ये उसमें वो डीएनए टेस्ट कराओगे तो ये पता लगेगा कि इनका बच्चा है, किसी लड़के का नाम लिखा हुआ है ना, आपने भी थोड़ी सी नाम भी तो आप भी तो झूठ मूठ लेके आ सकते हो, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं उसको बुला लेता हूं, कोई आपको उसको बदनाम करने का आपको कोई मकसद हो ये भी तो हो सकता है। मैं क्यों बदनाम करूंगा, एक बात बताओ, जब आप इतने दूध के धुले हुए तो हो नहीं। हाँ मैं मानता हूँ भाई, मानते क्यों हो यार, एकदम हो, मैं बदल चुका हूँ मेरे भैया, मेरी बात बदल चुका हूँ, मैं नहीं रहा पहले जैसा, मत बोलो नहीं होता है, कहा होता है कुत्ते के पूछ में कितना भी अब तेल लगा लो सीधा नहीं हो सकता। कैसे मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से, आपने देखा? हाँ मैंने देखा, मेरे तो आपने गलती नहीं की, थोड़ा सा एक वीडियो बना लेते उससे, मेरे ध्यान से नहीं, इतना शक वाली बीमारी नहीं, कम से कम हमारे कोई मेरा ऐसी दोस्त है कुछ भी बल झूठ बोल दे रही, चलो मैं वीडियो बना लेता। पता लग गया कि आपको पता लग गया है? उसको पता नहीं, अभी लग गया है कि मुझे पता लग गया है। अच्छा, अब हाँ कहीं मुझे ये डर है, ये ना कहे कि मेरा बच्चा है ये। सुनिए ना, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, इसको रखिए, उसको बुलाइए फ़ोन करके, आप बात कीजिए, इसका सच्चाई जानिए पहले।
ये माइक है, इसको छुपा कर रखे। A few moments later. हाँ, कैसे बुलाया है? यहाँ पे बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे वैसे ही बुला लिया फोटो को मैंने मिलने के लिए। पार्क में मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिला घर आने का, मैं कहीं से मिल के तेरे चला जाऊंगा। अच्छा, तुझे पता है बहुत नहीं, तुझे पता कितना कम आता हूँ घर पे, बहुत कम टाइम मिलता है। तो टाइम देना चाहिए ना, घर पे आना चाहिए ना। तो बेटा घर पे टाइम दूंगा तो फिर काम कौन करेगा? तो काम भी कर लेना, क्या हो गया? तू हाथ हटा पहले यहाँ से, हाथ क्यों दुख रही पागल? आज क्या हो गया? आज बड़ा हाथ हटा, हाथ हटा कर रहे हो। अच्छा, वैसे तो बहुत चिपकते थे। तो अब नहीं है ना, वो बात खत्म हो गई ना, अब तुझे बेटी की तरह मानता हूँ ना। कोई बात नहीं, अच्छा बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे कुछ पूछ रही तेरे से बात है, तू जाती कहाँ है बता। आपको नहीं पता क्या कहाँ जाती हूँ मैं? सब पता है, फिर भी ऐसा कर रहे हो आप भी। अरे हाथ तो छोड़ यार, क्या कर रही? तो हाथ ही तो पकड़ रही हूँ। हाथ छोड़ बेटा। तो क्या हो गया? बात ही तो कर रही हूँ मैं आपसे। बात तो कर ले पहले। अरे कोई नहीं, चलो बैठ के बात कर ले पहले। क्या बात है, चल क्या रहा है सब? क्या चल रहा है आपको नहीं पता? ये सब क्या चल रहा है? ये आपको पता नहीं क्या? रिपोर्ट है इसमें। किसकी है ये? मेरी है। किसका बेबी है ये? किसका क्या होता है? आपका है। तू पागल वागल है क्या? पागल वागल क्या हो गया? तेरा बाप हूँ मैं। अब मेरे तो कुछ ऐसी हरकत कर दी है, तू मेरे को कह रही है मेरी। आपको पता है, ठीक है ना, रहने दो आप। रहने दे, पहले ये बता बच्चा किसका ये? आपका ही है ना। आप, तेरा दिमाग खराब है क्या? सुन मेरी बात, सुन मुझे आपसे प्यार से बात। मैं लड़ने नहीं आई, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? हाइपर हो रहे हो, प्यार से बात। तो बच्चा कैसे हो सकता है? हाइपर ना हूँ मैं तेरे पे? क्यों, बच्चा आपका है, आपको कैसे? आपका है ये। मैं डीएनए टेस्ट करा दूंगा तेरा, ध्यान रखियो। करा दो, चलो आपका ही है। सच बता रहा है किसका बच्चा है? मैंने तेरी वीडियो बना रखी जिससे तुम मिलने जाती है, ध्यान रखियो। वीडियो बना रखी तो क्या होगा? हाँ तो फिर कैसे मेरा बच्चा हो जाएगा ये? चलो आपको पता है, जो मेरे पेट में बच्चा है ना वो मेरे बाप का ही है, और अभी तक तो आपको और मुझे ही पता है, सबको बता दूंगी, ठीक है? अरे कैसे बता रही भाई, जब मेरा है नहीं, अब एक बार बता, जब मैं गलत था। पहली बात तो चिल्लाओ मत, चिल्ला क्यों रहे हो? तो क्यों मत चिल्लाओ, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्या आपको नहीं पता क्या आपका कैसे हो सकता है? जब तो देख, झूठ मत बोल, मैंने तेरी वीडियो बना रखी है। मेरे से दूर होके पहले बैठ, पहले मैंने क्या दूर होकर? चलो प्यार से बातें करेंगे। नहीं, मेरे को कोई प्यार से बात नहीं करनी, तो मेरी बेटी है, मैं तेरी बेटी की तरह मानता हूं। देख, अरे कोई बैठ जा, देख भारी बात सुन, मैं बेटी की तरह ट्रीट करता हूँ तेरे को, वैसे बात कर मुझसे। मुझे पता है मुझे कितनी, मुझ पे इल्जाम मत लगा। हाँ, अब मैं बदल चुका हूँ तेरे सामने की बात है। आदमी कोई नहीं बदलता। सच बता दे किसका बच्चा है? मैंने तेरी वीडियो बनाई उस लड़के के साथ पूरी, ध्यान रखियो, उसके साथ मिलते हुए जाते हुए सब कुछ करते हुए। पता चल गया ना? हाँ चल गया, चल जाने दो, किसी और का बॉयफ्रेंड का बच्चा है। तो फिर मेरा क्यों बता रही है तू? तो किसको विश्वास दिलाओगे? मैं तो बोल दूंगी सबको कि आपका बच्चा है। अच्छा, मैं प्यार करती हूँ आपको, सबको पता और है। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा कोई प्यार व्यार नहीं हुआ ना, तेरा बच्चा ना मेरा बच्चा है, ठीक है ना? जो मेरा पे इल्जाम लगा देगी, कैसे कहेगी मैं डीएनए टेस्ट करा दूंगा? फिर सबको पता है आप मुझ पे गलत नजर रखते हो, कैसे साबित करोगे? सबको पता है मैं बदल चुका हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है ना? अरे कोई नहीं, चलो आपको पता चल गया ना। मेरे पे इल्जाम मत लगा, तू चाहती क्या ये बता। मैं वही चाहती जो आप पहले मुझसे चाहते थे। ये गलत काम करके मैं नहीं जाता। अच्छा, अच्छा, अभी आपको गलत लग रहा है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, चलो घर चलो। मैं नहीं करता ना, मैं तो अपनी बेटी समझता हूँ अब। मैं नहीं मानती ना, मैं पहले बदनाम हूँ, ऊपर से तू मुझे और बदनाम करना चाह रही है। क्या हो गया? मेडिकल से क्या होता है? बच्चा है मेरा। मुझे तो ये डर है तू मेरे पे इल्जाम लगाएगी इसका कि तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है। हां वो मैं लगा दूंगी, सबको पता है मुझ पे गलत नजर रखती हूं। क्यों लगाएगी ये तो बता, क्यों जाती है उस लड़के के पास? एक बार बता, मैं काम करता हूँ घर में, पैसे देता हूँ, तेरा भी खर्चा उठा रहा हूँ, तेरी माँ का भी उठा रहा हूँ, और तो अपनी माँ को बेहोशी की दवाई देके जाती है उससे मिलने। अरे तो क्या हो गया, मैं प्यार करती हूँ उससे, मिलने जाती हूँ, उसका बच्चा है, कैसे साबित करोगे उसका है? मैं तो बोल दूंगी तुम्हारा, तुम्हें तो मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा क्या बुरा कर दिया? क्या बुरा नहीं किया तुमने, जब बड़ा गलत नजर रखते थे, अब मैं जो तो मेरा नहीं है, मैं कैसे पाल लूं? जो तुम पहले चाहते, देखो यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली थी, वो भी पता है आपको? मुझे पता है, उसमें भी अगर मैं वही वीडियो, अगर मैं वही वीडियो उनको दे दूं फिर कैसे दोगे, साबित कैसे करोगे? सबको पता है, ठीक है ना? देख, मैं तो अपनी बेटी मानता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ दो, मेरे पे इल्जाम मत लगा, मैं गलत नहीं हूँ। बच्चा है ना वो तुम्हारा ही है, ठीक है? यार क्यों ऐसे बोल दिए बेटा तू? चलो ठीक है, चलो मान लिया, बैठो प्यार से बैठो, मान लिया बच्चा उसका है, लेकिन वो हमारे घर का खर्चा उठा रहा है, अमीर है, कोई बात नहीं। क्या खर्चा उठा रहा है? मैं जो कमा रहा हूँ उससे घर का खर्चा नहीं उठ रहा? तो आप मम्मी को खुश करते हो ना, मैं आपको खुश करती रहूंगी, बुढ़िया है वो, क्या है? मुझे खुश नहीं होना, मुझे दूसरे। अरे वो बुढ़िया है, उसे साइड करो यार, मैं अच्छी वाली तुम्हें मिल रही हूँ, जब तुम मुझसे चाहते थे, मैं नहीं करना चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता ना, तो मैं तो चाहती हूँ। मैं नहीं चाहता, तुझे इतने देर से प्यार से बोल रही, समझ भी नहीं आ रहा क्या? देख बदतमीजी मत कर, खर्चा उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बुढ़िया को साइड करो। तो खर्चा उठा रहा है, गलत काम करेगी उसके साथ घर में लाके? गलत, अब तो बहुत राम बन रहे हो, पहले नहीं पता था क्या? पहले तो खुद ही गलत करते थे मेरे साथ, मेरे पास भी वीडियो है, ठीक है तुम्हारी? ज्यादा तुम्हें धमकी दे रही है? धमकी दे रही हूँ बिल्कुल, चुपचाप मान लो ये बच्चा तुम्हारा है, ठीक है? क्यों मान लूं? मैं नहीं मानूंगा, कुछ भी कर ले तू।
क्यों तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? प्यार से समझ में नहीं आ रहा बोल रही हूं ना। देख मेरे से बदतमीजी कर, तेरा बाप हूं मैं। बाप? अब तुझे बाप नजर आ रहा? जब नहीं आता था, जब मेरी वीडियो बनाई थी, जब तो बहुत नजर आ रहा है। जब बाप नजर नहीं आता था तुझे, जब मेरे पे गंदी नजर रखता था। गलती थी ना? तो क्या गलती है? वही गलती मैं कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं। मेरे साथ मत कर, देखी गलती, मेरे को बदनाम मत कर। तुझे पता है तू भी मेरे साथ कि तू मेरे पे ही नाम लगाएगी इस बच्चे का। तो बिल्कुल, तू भी तो मेरे साथ फिजिकल हुआ है, मैं तो बोल दूंगी तेरा बच्चा है और तेरा ही है ये बच्चा। तो मतलब मुझे बदनाम करेगी? क्या बदनाम कर रही हूँ? देख ये बच्चा तेरा है और ये चीज ना साफ साफ मान ले, ठीक है ना? क्या बाप है? अब तुझे बाप नजर आ रहा है? अब तुझे बाप नजर आ रहा है? जब बाप नजर नहीं आता था, जब मुझ पर गलत नजर रखता था, बोल। जब बाप नजर नहीं आता था, मत कर मुझसे। तो चुपचाप मान लेना। क्यों मान लूं? मैं नहीं मानूंगा। मैंने तुझे बोल दिया ना, बस प्यार से मान ले, ये बच्चा तेरा है। क्या मान जा? कैसे तू मान जा ना? नहीं आ रहा क्या? तेरे समझ में नहीं आ रहा? क्या बाप? जब बाप नजर नहीं आता था, जब मेरे साथ फिजिकल हुआ था, जब बाप नहीं था, तो मेरा मेरी गलती थी, अब नहीं है ना? मान जा ना, प्यार से बोल रही हूँ ना, प्यार से बोल रही हूँ ना, तुझे मान जा मेरी बात। क्या बदतमीज, प्यार से बोल रही हूँ, चल वहाँ पे और साफ साफ मान ले, बच्चा तेरा है, ठीक है? मैं नहीं मानूंगा कुछ भी, वरना मैं सबको बता दूंगी ये चीज के बच्चा तेरा है। कैसे प्रूफ करेगा? जा फिर तू बता दे, जा। प्रूफ कैसे करेगा तू? डीएनए करवाऊंगा मैं तेरा। क्या डीएनए? मैं तो बोल दूंगी तेरा है, मैं डीएनए कराऊंगी ही नहीं। अच्छा, और तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है ये बच्चा तेरा नहीं है? अब घर चल, तू मम्मी को बताती हूँ कि ये बच्चा तेरा है, ठीक है? तेरी वीडियो बनाई है उस लड़के के साथ, उसका क्या होगा फिर? तो प्यार करती हूँ मैं, जब ही तो बोल रही हूँ प्यार से मेरी बात मान जाओ, तुम्हें भी खुश रखूंगी और वो पैसे दे रहा है। मुझे नहीं तो मैं बाप नहीं मान रही ना, मैं बोल रही हूँ जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। ये तो बता, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है? अब मैंने क्या? चलो मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं मान रही हूँ वो बच्चा मेरा है, उसका है, मेरे बॉयफ्रेंड का, लेकिन साबित कैसे करोगे भाई तुम, ये बताओ ना। मेरी गलती का वो मिल रहा है ना मुझे? गलती का मिल रहा है, मैं कह रही हूँ देख मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप मान जाए बच्चा तेरा और इसको तू ही पालेगा पोसेगा। अब वो मैं बोल रही हूँ वो बहुत अमीर है, वो हमें पैसे दे रहा है, घर का खर्चा चला रहा है सारा। साबित हो रहा है, पूरा कैमरा लगा हुआ है ना। कौन है भाई तुम? और पहली बात मार के रखो, कौन है ये? भूल गई, इतना जल्दी भूल गई, कौन है भाई? याद? याद नहीं है? अरे भैया सुनो तो, मैं बता रही हूँ। भैया बोल रही है। अरे सुनो तो सही, बाप क्या? बाप को तू फंसा रही है ना? हाँ, बाप फंसा रही है ना? मैं बता है, बाप को फंसा रही है, छोड़ो तो सही, ऐसा कुछ नहीं है, सुनो तो सही। आप ये बच्चा इसका ही, आपको पता है, आपने वीडियो बनाई थी ना, ये मुझ पे गलत नजर रखता था, आपको सब पता है ना? अरे जो पेट में पल रहा है वो तुम्हारे बाप का बच्चा है। इसका यही गलत नजर रखता है, आपको पता तो है, आपने साबित भी किया। हम सुन लिए है ना? क्या सुन लिए? झूठ बोल रही, कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है तू? है तू तो, तू घर चला बेटा, तू तो गया देख। क्या करेगी घर? घर जाके क्या करेगी बता ना? क्या करेगी घर? क्या गलत कर रहे हो? जब समझ में नहीं आता था, जब शर्म नहीं आती थी, जब खुद सोचता था मेरे साथ ऐसा करने के लिए। तुम्हारे उसमें क्या फर्क था? तू भी तो अपने मजबूरी का फायदा उठा रही थी, तू बेटी का कर्तव्य निभा रही थी। अरे भाई तुम जाओ, तुम घर जाओ अपने। तुम यहाँ क्या करोगे? हम आपस में बात कर लेंगे, हमारा फैमिली मैटर है, ठीक है ना? आपस कहीं बात है फिर क्यों? अच्छा दूर रखना, दूर? अच्छा बड़ा जब तो पास आता था, अब दूर रखना? इस अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट है, यानी कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे जो पेट में बच्चा पल रहा है तुम्हारे बाप का है ना? तुम यही बोल रही हो? इसमें जो लड़का का नाम विवेक लिखा हुआ है, किसी और तुम्हारे बाप का नाम विवेक है? तुम्हारे बाप का नाम कुणाल है ना कि विवेक? चूतिया जो है ना, किसी और को बनाना, हमको मत बनाओ, ठीक है ना? तो आपको पता है ना, ये भी मुझ पे गलत नजर रखते थे, तो मैं क्या करती? घर का बाप ही ऐसा हो, अपनी बेटी पे गलत नजर रखता हो तो वो बेटी जाएगी नहीं क्या कहीं? प्यार ही तो करती हूँ मैं उससे। तो प्यार करती है, कौन सा तरीका होता है? बाप को तो आपको भी खुश कर देंगे, उसको भी खुश करेंगे। ये क्यों बोल रही थी ये बात? जब तुम उससे प्यार कर, जाओ उससे शादी करो, तो तुम कितना घर पैसों के लिए हो, ज्यादा पैसे, तुम प्यार नहीं करती हो? तुम उससे प्यार नहीं करती, उसके पैसों से प्यार करती हो? जैसे तुम्हारी माँ घटिया थी ना, उसी तरह तुम भी घटिया हो, वो भी पैसों के लिए। किसी और पति के मर जाने के बाद बेटी नहीं थी, अपना जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन नहीं,
होश था ना एक नहीं होता, लड़के बदनाम है केवल, लेकिन जितना लड़के के अंदर होश होता है ना उससे कई गुना ज्यादा लड़कियों के अंदर होता है। मुझसे गलती हुई है, आप ये कैमरा वैमरा बंद करवा। अच्छा कैमरा बंद कर दे। कैमरा बंद कर दो, हम बात कर लेंगे ना। तू बात करो ना, बातें करते हैं, बैठ बैठ हाँ बैठो, अभी बैठो, बात कर लेते हैं। क्या बात करना, इधर इधर गलती हुई है। गलती नहीं, इसको पाप बोलते हैं। क्यों कर रही थी ऐसे? ये मुझ पे गलत नजर रखता है, सबको बताया, मुझे लगा कि बदनामी के डर से मेरी पे आरोप डाल। एक सेकंड, तू इतना दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है ना? साला बाप बाप होके बेटी के साथ फिजिकल होता था, तू तो दूध का धुला हुआ बन रहा है। कोई भी नहीं होता, जिस घर का समाज संस्कार अच्छा हो ना वही लड़की आगे बढ़ती है, तो तुम्हारा समाज ही सही नहीं है, तुम खुद एक गंदे हो। बाप होके बेटी पे गलत, साले बहुत मारेंगे तेरे को, चूतिया इंसान कहीं का। तू अपने नजर में एक बार झांक के देख अंदर, दो दिन से तू ठीक हो गया है, दो दिन पहले तू इंसान नहीं जानवर था। ना माँ मुझे प्यार करती, ना ये प्यार करते, मैं उससे प्यार ही तो करती थी, बस इसीलिए मैं उसके पास गई थी, वो मेरा खर्चा भी उठा रहा था, पैसे भी देता। इसमें कौन सा पाप कर दिए? लेकिन पापी इंसान तू, मान लो प्यार करती है, उसके साथ फिजिकल हुई है, शादी भी करेगी ना। लेकिन तुम जो अभी बात बोल रही थी, कितना गंदा बात बोल रही थी, पापा आपको भी खुश करेंगे, उसको भी खुश, उसको भी पैसे के लिए उसके से प्यार कर रहे हैं। अब ये सब बोल रहे थे कि मतलब उसका बच्चा है, सबको बता दे, ये मम्मी को बता दे। मैं मम्मी को किस मुंह से बताऊंगी कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ? मैंने सोचा कि जब सबको पता ही है मुझ पे गलत नजर। तो तुम कुंवारी माँ बनने वाली हो ना, मांग में सिंदूर है नहीं तब तक पेट में बच्चा हो गया। हाँ वो शादी करेगा, लेकिन ये जो सारी बात बोल रही थी कि पापा आपको भी खुश कर देंगे, बस एक किसी को बताया नहीं। पापा मत देखो, ये नहीं पूछ रहे हैं हम, जो मेरे बात का जवाब दो। तुम जो बात बोल रहे थी कि पापा आपको भी हम खुश कर देंगे, अब ये किसी को बताइए, क्यों बोल रही थी? मुझे डर था बस, ये बता ना दे मम्मी को, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मम्मी को कि मैं शादी से पहले ही माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए बस मुझसे प्लीज गलती हो गई। अभी तो ये बोल रही थी कि पापा का ही बच्चा है, सही बात है, उनका बच्चा है तुम्हारे पेट में? नहीं इनका बच्चा नहीं है, ये तो मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं उस दिन से। प्लीज मुझसे गलती होगी, वीडियो वगैरह बंद क्या करें बताइए आप, डिलीट करवा दो प्लीज। आप देख लो भैया, मेरे को तो ये डर था मेरे पे नाम लगाई कि बच्चा तेरा है। बच्चा आपका नहीं है, ये खुद बता रही ना कि मैं इसको बाप की नजर से, आप बाप सही में बाप की नजर से नहीं देखते थे, आप एकदम घटिया इंसान हो। देखो भाई नहीं बोला जाता है, जब मेरी गलती थी आपको खुद एक्सेप्ट कर ली ना, मैं इसको बेटी की तरह ही मानता हूँ। तो मैं कहाँ जाती आप ये तो बताओ। अब ये डर था, ये बिना शादी के बच्चा लेके घूम रही है पेट में, अगर कुछ गलत हो गया इसके साथ, वो छोड़ के चला गया है, कुछ भी हो गया, मान लो टाइम पास कर रहा है, ये पैसों के लिए जा रही है उसके पास, तो कल को मेरे पे इल्जाम लगाएगी। तुम भी तो दोनों के अंदर गलत फहमी हो गया था, है कि नहीं? कि हमारी पोलो ना खोल दे, इनकी पोलो ना खोल दे, एक दूसरे को छुपाने के चक्कर में ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये हमारी कमी वो ना बता दे, हमारी कमी वो ना बता दे। कोई भी बेटी आज के बाद ऐसा गलत काम, इतना घटिया काम नहीं करेगी। तुम एक नंबर की घटिया आदमी हो, तुमने बहुत गलती की है। चालू कराए तो बंद भी तो ही ना करेंगे, हम कौन होते हैं? मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? उस लड़के से बात कर, या गलत शादी करे, गलत काम करते समय नहीं सोची थी तू कि तुम क्या कर रहे थे? आज के बाद में कोई गलती नहीं होगी। बच्चा करवाना भी पाप है, उस लड़के से बात कर, शादी करो, उस लड़के से शादी करो, ठीक है ना? अपना घर जल्द से जल्द बसाओ, यही हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, और मेरे को बाप ही मानी हो, मैं तो को बेटी ही मानूंगा आज के बाद। बाप ये वीडियो है, रहेगा हमारे पास, कुछ भी गलत करोगी ना तो इस वीडियो हमारे पास प्रूफ के तौर पर। ये मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं बिल्कुल अपनी उस दिन से, लेकिन कोई वीडियो वीडियो बना के नहीं रखे हैं तुम्हारा, वो वीडियो सारा डिलीट कर देते, बॉयफ्रेंड से मिलने वाला वीडियो नहीं बनाता, झूठ बोल रहे थे, तुम्हारा सच्चाई सामने लाने के लिए। तो प्लीज मुझसे गलती हो गया, लेकिन मैं उससे बाप होगा कोई बेटी का वीडियो, तो पहले गलत है ना। नहीं मेरे मैं से माफ कर भी दूं, पर भाई अब इससे ये पूछो, उससे शादी करेगी या नहीं करेगी, या वो इससे शादी करेगा नहीं करेगा, इससे पूछो। तुम शादी करोगी कि वो करेगा कि नहीं तुमसे? क्यों भी टाइम पास कर रहा था, जैसा भी होगा मैं अपने पापा के सामने उसे लेके आऊंगी, पापा खुद उससे बात कर लेंगे। जल्दी करो, दो तीन महीने का बच्चा है तुम्हारे पेट में, तुम्हारा समाज में इज्जत चला जाएगा। समाज थूकेगा मुझ पे भी, डर की वजह से मैंने बोल दिया था कि वो आपका बच्चा है। तूने ऐसी क्यों गलती कर दी है तो बता। प्लीज पापा मुझसे गलती हो गई थी। कौन लड़की प्रेग्नेंट होती बिना शादी के? लो अपना रिपोर्ट ले जाओ इनको यार। शादी करो जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने बेटी का शादी करो। चलने ले चलो, उस लड़के से बात करते हैं, लड़के को बुलाओगे अपने घर पे, लड़के घर ले चलो, घर ले चलो। हाँ